Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. एक ऐसी जमी बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समान, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजा देख न पाए, खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से कहानी है एक कदीम और खतरनाक सफर की, नाकाबिले फरामोश कामों की कहानी, अच्छे और बुरे दोनों की कहानी, मॉन्स्टर्स की, खास तौर पर ये किंगडम का सबसे ज्यादा खौफनाक मॉन्स्टर। लेकिन ये कहानी का आगाज नहीं है, कहानी का आगाज तो बहुत पहले हो चुका था। मेरा नाम शेरजाद है और ये कहानी मुझसे शुरू होती है जब मैं एक सुल्तान की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या कोई बता सकता है कि मिस्टर अजवाइन एसेंस कहां से मिलेगा? यही रहना जमाल। मुझे मिस्टिक अजवाइन एसेंस चाहिए। हाँ। जादूगर हारून खालिद की बेटी मेरी दुकान पर। हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे एसेंस चाहिए। सुल्तान की तबीयत बहुत खराब है और अगर मुझे वो एसेंस नहीं मिला तो मैं दवाई नहीं बना पाऊंगी। उफ, अब क्या करूं? मिलेगा मिस्टिक अजवाइन एसेंस, लेकिन मैंने कहाँ रखा है ये याद नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मिस्टिक अजवाइन एसेंस, क्या किसी ने मिस्टिक अजवाइन एसेंस के बारे में सुना है? लेकिन फौरन मैं उनकी मदद नहीं कर सकी, कोई नहीं कर सका। सबसे अकलमंद और रहम दिल सुल्तान जैसा गोल्डन सिटी ने कभी नहीं देखा था। ऐसा सुल्तान जिसने कई दहाइयों तक अमन और खुशहाली से सल्तनत की, वो चला गया। नया सुल्तान उसके बेटों में से एक होगा। सबसे छोटा करीम, जो अपने वालिद की तरह मेहरबान और अकलमंद था, या फिर बड़ा बेटा शाहजमान जिसमें सिर्फ लालच भरा था। अगर आपकी इजाजत हो तो जल्द अज जल्द ये वसीयत पढ़ ली जाए। क्या इतनी जल्दी? अभी बाबा को गुजरे दिन ही कितने हुए हैं उस्मान, तो फिर अचानक ये सब क्यों? इंतहाई एहतराम के साथ, गोल्डन सिटी एक सुल्तान के बगैर है, इसलिए वसीयत अभी पढ़ना लाजमी है। ठीक है, पढ़ लो उस्मान, ताकि फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो जाए और मैं जितना जल्दी हो उस नरम तख्त पर बैठ सकूं और इस हार्ट तख्त से मेरी जान छूटे। ऐसा ही होगा भाई, बाबा के बाद ये जगह आपकी है। ठहरिए, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? हाँ, ये हमारा फैमिली मैटर है। ये भी फैमिली का हिस्सा नहीं है। तुम नहीं हो इस फैमिली का हिस्सा। ये क्या कह रही हैं आप? इसके बाबा बिल्कुल हमारे बाबा जैसे थे, क्या याद नहीं है आप सबको? उन्होंने अपनी जान पे खेल के इस शहर को बचाया था। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और फैमिली भी। प्रिंस करीम, आप मुझे इजाजत दीजिए। ओह हाँ जी, पढ़िए। ये वसीयत मरहूम सुल्तान की तरफ से है, जो कि गोल्डन सिटी के रखवाले प्रोटेक्टर। ओह एक सेकंड, स्किप करो इसे, हम जानते हैं वो कौन थे। अरे घबराओ नहीं मेरे भाई, तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ा होगा। अगर तुम चाहो तो महल का मशरक़ हिस्सा रख सकते हो, उसके साथ छोटा सा गार्डन है। ये हमारे बाबा की दौलत है, कोई लूटा हुआ सामान तो नहीं? फिर इसे बांटें क्यों? देखो इसमें फायदा है, क्यों इसे एंजॉय नहीं करते? मैं जानता हूँ मेरा हिस्सा तुमसे ज्यादा होगा। ये वसीयत मरहूम सुल्तान यानी आपके वालिद की तरफ से है,
जिसके मुताबिक ये ताज उनके छोटे बेटे प्रिंस करीम पहनेंगे। क्या? क्या ये मेरा नाम था? लेकिन मुझे इसका लगा। उस्मान, तुमसे गलती हुई, एक दफा फिर से पढ़ोगे? सुना नहीं, दोबारा पढ़ो। सुल्तान की वसीयत सुना दी गई। आप हैं हमारे नए सुल्तान। आपका हुक्म सर आंखों पर। नहीं, मैं नहीं मानती ये। मेरा हक बनता है, मुझे सुल्तान बनना चाहिए, लेकिन वाले से गलती हुई है, हमें उसे कोड़े मारने चाहिए। ताज मुझे पहनना चाहिए था, मैं बड़ा हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। Congratulations. ये क्या किया बाबा आपने? आपने मुझे धोखा दिया है। जानता हूँ तमाशा बनने वाला है मेरा, पूरे शहर में लोग हंसेंगे मुझ पे। तुमने देखा, तख्त पर मेरा हक था और वो ताज मेरे सर पर होना चाहिए था, लेकिन पहना किसने? छोटे भाई ने मेरे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल है। इस सल्तनत को जिस तरह मेरे बाबा ने संभाले रखा और कोई संभाल ही नहीं सका। बेइंतहा प्यार करते थे वो अपने लोगों से और सब उनसे। ये क्या किया बाबा आपने? आप कमजोर थे, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, लेकिन किया क्या आपने? कुछ नहीं। क्या छोड़ा मेरे लिए? जिल्लत। मगर ये कैसे हो सकता है? पहले तो मेरे बड़े भाई का हक है इस पर, तो मैं क्यों? देखो, अगर जिम्मेदारी निभाते हुए मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या कहेंगे सब? कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मशवरा दो मुझे। तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि क्या सही है और क्या गलत। उन्होंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि वो जानते थे कि तुम कर सकते हो। और तुम्हारा भाई, माफ करना, उसे कुछ नहीं आता। वो सिर्फ अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर लगा सकता है। नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस खाता ज्यादा है और थोड़ा लालची है, मगर दिल का बहुत अच्छा है। वो किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। इसकी वजह सिर्फ तुम हो। बाबा ने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, ना उन्हें तुम्हारा जादू समझाया और ना ही तुम्हारे बेवकूफी के नुस्खे। वो हमेशा यही समझते थे कि तुमने मुझ पर भी जादू किया हुआ। शाहजमान, मैं तुम पर जादू क्यों करूंगी? तुम तो मेरे अपने हो। बैठो यहाँ। मुझे अभी भी नहीं लगता मैं इस जगह का हकदार हूँ, मगर मुझसे जो हो सका मैं करूँगा। देखो करीम, तुम्हारे बाबा जानते थे कि अगर कोई ये जिम्मेदारी संभाल सकता है तो वो सिर्फ सिर्फ मैं और कोई नहीं। हाँ शाहजमान, सुल्तान तुम्हें ही बनना चाहिए था। मुझे यकीन है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें धोखा दिया है। ओह, धोखा? लेकिन ये मैंने क्यों नहीं सोचा? मुझे चीट किया गया है। अब उसे किसी तरह रास्ते से हटाना होगा। हाँ बिल्कुल, उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं ना कि उसे हमेशा के लिए हम जान से? नहीं शाहजमान, मारना नहीं है उसे, बस ये करेंगे कि उसे चूहा बना देंगे। हाँ बिल्कुल, चूहा, जबरदस्त आइडिया है। लेकिन तुम कर सकोगी ये? हाँ, तुम्हें सुल्तान बनाने के लिए कुछ भी करूँगी। सिर्फ छींक। मेरा ख्याल है कि मेरे भाई को छींके लगने से हमें क्या फायदा होगा। तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए, सोचो। गायब हो गया, तुमने वाकई कमाल कर दिया। ये लो इसे देखो। तो बताओ, ये अच्छा तरीका है ना तुम्हारे भाई से जान छुड़ाने का? तुम बनोगे सुल्तान और उससे हम गायब कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। ये फाइनली मैं सुल्तान बन गया। तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो तुम हमेशा सुल्तान बनते थे और मैं हमेशा बनती थी तुम्हारी दुश्मन। बहुत अच्छी तरह याद है मुझे, और मैं तुमसे बचकर छुप जाया करता था और मैं तुम्हें सारी जगहों पर ढूंढा करती थी। अच्छा, क्या तुम्हें ये सीक्रेट नॉक याद है? इस नॉक को तो मैं भूल ही नहीं सकता। काश के छोटे ही रहते हम हमेशा। वाओ, इसमें तो एक चाबी है, देखो तो जरा। डिजाइन तो अच्छा है, लगता है ये कोई खास चाबी है करीम। इस पे कुछ लिखा हुआ है,
कदीम जबान लगती है। मेरे बाबा ने ये जुबान सिखाई थी मुझे। तुम पढ़ सकती हो इसे? अब कोशिश करते हैं। ये लिखा है, वसीयत एक रास्ता है, रास्ता एक मोहर है, मोहर एक कोड है, एक कोड एक राज, और वो राज एक जगह है। अब जोर से कहना है, खुल जाओ। हाँ? ये क्या हो रहा है? क्या बात है, इस जगह के बारे में बाबा ने कभी नहीं बताया मुझे। इतने सारे पोशंस और मैजिक आर्टिफैक्ट्स। वो देखो करीम, ये निशान मेरे बाबा का है। इसका मतलब है ये उनका सीक्रेट चैम्बर है। बाबा ने बताया था इस बारे में, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कहाँ है या इस तक कैसे पहुँच सकते हैं। तुम्हारे बाबा सबसे पावरफुल मैजिशियन थे, अपने दुश्मनों की वजह से उन्होंने रास्ता किसी को नहीं बताया होगा। अच्छा, तुम इन चीजों के बारे में जानती हो क्या? बस थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं जानती मैं। ये देखो जरा, तुम्हारे बाबा का सामान है इस संदूक में। तो अब क्या करना चाहिए? इसे खोल कर देखते हैं। क्या वाकई? हाँ, चलो देखें क्या है इसमें। ये तो तुम्हारा हाथ लगते ही खुल गया। देखो क्या है इसके अंदर। बस ये एक पुराना बैग। मुझे लगता है इस बैग में गोल्ड है। इंजीर। इंजीर? खोदा पहाड़ और निकला क्या? चूहा। और क्या है इसमें? एक चिराग, एक पुराना चिराग। यकीनन इसके अंदर कुछ और भी होना चाहिए। हाँ? आप लोग यहाँ हैं? अनबिलीवेबल, कैसे ढूंढा तुमने ये कमरा करीम? इस कमरे में तो खजाना छुपा है। सीक्रेट चैम्बर जादू के सामान से भरा हुआ। सदियाँ लग जाती है इसे जमा करने में। हाँ, वाह, कब से तलाश थी चीजों की मुझे। जानती थी ये महल में ही कहीं ना कहीं छुपी होंगी। अब नहीं, ये चीजें मेरे बाबा की हैं। ये सारी चीजें महल में है तो इनका ताल्लुक भी सुल्तान से है। सही कहा, सुल्तान से। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? हाँ, बहुत कुछ कहना है। मसलन गवर्नमेंट, ऑर्डिनेंस, डेलीगेशंस और फ्यूचर। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम एक कप चाय पियो हमारे साथ। क्यों? लेकिन इस वक्त मैं अच्छा चलिए चलते हैं। तुम कहाँ आ रही हो हमारे साथ? हर बात तुम्हारे सामने नहीं हो सकती। जाओ यहाँ से। शहरजाद, आखिर मसला क्या है? आप हमेशा उससे ऐसे ही बात क्यों करती हैं? छोड़ो उसे, काम की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले चाय पी लेते हैं। बहुत ही फाइनेस्ट और बेहतरीन पत्ती से तैयार की गई, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे भाई। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं क्या किया तुमने मेरे साथ? तो आप बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है शाहजमान? मेरा मतलब सुल्तान शाहजमान। सीक्रेट चैम्बर अब मेरा हुआ। सुल्तान शाहजमान। I like it. करीम, करीम! कैसा बावला मॉन्स्टर? तुमने सैंपल में ये तो नहीं दिखाया था? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, मैंने तो बिल्कुल सही जादू किया था, फिर ये बड़ा कैसे हो गया पता नहीं। जादू? कैसा जादू? और करीम कहाँ है? इस दरिंदे ने हमारे सुल्तान को खा लिया है, पकड़ो इसे। गार्ड्स, जल्दी करो, पकड़ो इसे। पकड़ो इस दरिंदे को।
आप ठीक तो हैं प्रिंस? मैं ठीक हूँ, लेकिन करीम चला गया। क्या हो गया करीम के साथ? ये सब छेड़छाड़ की वजह से हुआ है। इसी ने सीक्रेट चैम्बर में कुछ किया और वो दरिंदा आजाद हो गया जिसने हमारे सुल्तान को खा लिया। अरेस्ट कर लो इसे। ओह हाँ, अरेस्ट करो इसे। नहीं, छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। प्रिंस, आपका हुक्म सरांख। उस्मान, सुल्तान का हुइन है। आपका हुक्म सरांखों पर मेरे सुल्तान। सुल्तान, I like it. छोड़ो मुझे। खोलो दरवाजा। क्या कर रही हो? अरे मेरे सर पे चोट लग रही है। किसने कहा? कौन है यहाँ? अरे क्या तुम एक जगह रुक नहीं सकती? इतना घुमाया है कि चक्कर आ रहे हैं मुझे। ओह, एक बोलने वाला चिराग, बातें करने वाला जिन। मेरा नाम हलील है। क्या मुझे ये बताओगी कि हारून खालिद कहाँ है? आप हारून खालिद को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। वो जादूगरों का जादूगर और सबसे खास मैजिक मास्टर था सुल्तान का। यानी के तुम वो नहीं? नहीं, लेकिन मैं बेटी हूँ उनकी। अरे वाह, उनकी बेटी, ये तो कमाल हो गया। पता है तुम्हारी ही तलाश थी मुझे। मेरी? किस लिए? मुझे तुम्हारे बाबा के बारे में एक अहम बात बतानी है। मेरे बाबा के बारे में? बिल्कुल, तुम्हारे अजीम बाबा हारून खालिद के बारे में। उन्होंने कहा था, हलील जब मेरी बेटी मिल जाए तो उसे जरूर बताना, लेकिन जब ये सारा मंजर धुंधला हो जाए। धुंधला? धुंधला, हाँ हाँ धुंधला। लेकिन ये सब कुछ तो अब हो सकता है उन्होंने आपको जादू के बारे में बताया हो, कुछ याद है? अरे हाँ, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों दुनिया साथ किसी जादू के बारे में कह रही थी। लेकिन क्या हो सकता है, उसने क्या किया होगा? ऊपर क्या हो रहा है? हाँ? अटैक! चलो मार दो इसे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पीछे हटो, मेरे करीब मत आना मॉन्स्टर। तुमने सुल्तान करीम को मार डाला। छोड़ना मत उसे। वो चाहता तो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता था, फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? मॉन्स्टर तो चला गया ना। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे इस चिराग के अंदर बंद रहना ज्यादा अच्छा लग रहा है। हे मॉन्स्टर! तुम्हें बाहर किसने निकाला? पहले जरा उस दरिंदे का सफाया हो जाए, उसके बाद तुम्हें भी देख लूंगा। नामुमकिन, आखिर कहा जा सकता है? एक मिनट, करीम और मैं यहाँ पर खेला करते थे और हमारा एक सीक्रेट सिग्नल था। मानना पड़ेगा, यू आर इम्प्रेसिव। खामोश हो जाए। अब क्या हो रहा है? करीम? करीम, क्या ये तुम हो? वाकई में तुम हो? लेकिन ये सब हुआ कैसे? ऑफ कोर्स, वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहती थी और अब शाहजमान सुल्तान बन गया है और सब ये सोचते हैं कि तुमने खा लिया खुद को। तो यानी तुमने खुद को ही खा लिया? अगर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता है।
इसके बारे में बाद में बताऊंगी। अगर दुनिया साहब के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम ऐसे बन गए, तो यकीनन तुम्हें ठीक करने के लिए भी कोई ना कोई हल होगा। फिक्र नहीं करना, जल्द ही ठीक हो जाओगे। वैसे एक बात कहूँ, इतने बुरे भी नहीं लग रहे तुम। मॉन्स्टर्स ऐसे ही होते हैं। यहाँ से तो बहुत कुछ गायब है। ये काम यकीनन दुनिया जात का है। हलील, क्या आप जानते हैं कि मेरे बाबा किन चीजों से मैजिक करते थे? हाँ, मैं जानता तो हूँ, लेकिन मुझे याद करना पड़ेगा। क्या इनमें से कुछ याद है? ओह हाँ, ये पर्पल कलर याद है। क्या ये कोई एंटीडोट है? अरे नहीं, ये फट जाता है। और ये बात मैं नहीं भूल सकता। ओके। तो तुम लोग यहाँ हो, तो ये जगह है जहाँ तुम लोग छुपे हो। तुम मुझसे नहीं लड़ते। ये रहा वो। नहीं, रुक जाओ, वरना वो मार देंगे तुम्हें। शुक्र है सुल्तान ठीक है। थैंक यू उस्मान। अरेस्ट करो इस मॉन्स्टर को। शेरजाद को भी। खामोशी से खुद को हवाले कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा, सुना? भागो! कोई फायदा नहीं, हम फंस गए। वाओ, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें ऊपर से नीचे आना कमाल लग रहा है, जबकि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। पकड़ो इसे, ये कहीं भागने न पाए। मुझे लगता है कि ये सही वक्त है कि जब तुम अपने बाबा के इंजीर का इस्तेमाल करो। इंजीर? उससे हम उड़ सकते हैं। ओ नो, इंजीर कहाँ गई? लगता है ये सब खा गया। वो रहे, होशियार रहना, भागने न पाए। जल्दी से इसके बाल खींचो ताकि हम उड़न छू हो जाए। माफ करना जमाल। वाओ, ये उड़ रहा है। चलो जमाल, आओ सरफ। चील उड़ी, कौवा उड़ा, लेकिन मैंने ऊंट उड़ा पहले कभी नहीं देखा दुनिया साथ। वो लड़की, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। फाइनली हम वहां से भागने में कामयाब हो गए, और ये एक नए एडवेंचर का आगाज था। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि एडवेंचर मुझे हैरत अंगेज जगहों पर ले जाएगा। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।